नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत एडवाणी, कंसल्टेंट क्लिनिकल एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट रायपुर छत्तीसगढ़। अब हम सब जैसा जानते हैं, एक बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। कोरोना पेंडेमिक एक वैश्विक महामारी। थैंकफुली इंडिया इससे उतना प्रभावित नहीं है। धन्यवाद है गवर्नमेंट्स का, प्रधानमंत्री जी का, सारी राज्य सरकारों का, जो इसको किस तरीके से जा रही है। काफी अब तक अच्छा है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आगे क्या होगा। आगे ये है कुछ बातें जो व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में है, गर्मी आने से ये कम हो जाए। ऑफकोर्स इसकी आशा है, हम आशा करते हैं ऐसा हो कि टेम्परेचर बढ़े। जैसे इंडिया में तो गर्म क्षेत्र है, 40 से 45 47 टेम्परेचर, 40-45 भी अगर कुछ दिन रह जाए लगातार, बीच में बारिशें ना हो, तो इसके प्रकोप, इसके फैलने की शक्का कम हो जाएगी। क्योंकि दूसरे लॉकडाउन के खत्म होने के बाद हो सकता है हम अपना काम स्टार्ट करें, शुरू करें, पर उसके साथ वायरस भी आसपास है, तो वायरस के साथ हमको एक नए तरीके से, कि न्यू नॉर्मल स्टेट आ गई है, इसके साथ हमको जीना सीखना है, एक नए तरीके से इसके साथ अडॉप्ट करना है और इसको हराना है। और हम आशा करते हैं कि कुछ सप्ताह और महीनों में हम इसको हरा दें, जिस तरीके से हमको मोटिवेशन बीच बीच में सरकारों से मिलता रहता है, प्रधानमंत्री जी से मिलता रहता है। आरोग्य सेतु हेल्प कर रहा है, जैसे आपको रियल डेटा बता रहा है, आपको मिथ्स और भ्रमांक जो चीजें आ रही है उधर से, उसके बारे में सही गाइडेंस मिलती है। तो कुछ बातें मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। हम रोज एक लेक्चर ले रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं। इसमें इसका कोई पुख्ता इलाज नहीं है और इसका बचाव भी इसका एक इलाज है। सो द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज सोशल डिस्टेंसिंग, एंड इट्स अ ग्लोबल थिंग। ऑल द कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, सारे कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप में ये फैल चुका है, 200 से ऊपर देश प्रभावित है, और वो लोग भी इसी चीज को अपना रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग। क्योंकि वायरस एक तरीके का पैरासाइट है। पैरासाइट वो है जो आपके शरीर को यूज करता है आगे बढ़ने के लिए। वो खुले में ज्यादा रह नहीं सकता, वो अपना आगे नहीं चल सकता। तो अगर हम एक दूसरे से सामाजिक दूरी बना के रखें, जैसे हम जानते हैं, अब इसमें नई बात नहीं है, तो अब बच्चा जानता है कि सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है और क्या हमको करना चाहिए कि हमको ना मिले। 3 फुट से लेके 15 फुट तक की दूरी अब बताई जा रही है कि हमको रखनी चाहिए, और हाथ बार बार धोना है, अपने नाक, मुंह और आंख को बचाए रखना है, फेस मास्क, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, पीपी, यानी आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा के जो उपकरण है उनको यूज करना है। अब तो एक कानून के रूप में हो गया कि आप बाहर जाएं तो उसको जरूर लगाएं। अब ये बातें हम सब जानते हैं, पर बहुत सारी बातें मैं देख रहा हूँ कि नींबू खाने से ठीक हो जाता है, लहसुन लेने से ठीक हो जाता है, पर ये लहसुन नींबू लेना, संतरे लेना, या ये करना या वो करना, या ये आयुर्वेदिक चीज लेना बुरा नहीं है, लेकिन उससे ठीक हो जाता है या उससे नहीं होता है, ऐसा प्रामाणिक नहीं है। लेने में कोई इशू नहीं है। जैसे टीवी पे आप रोज सुनते हैं, सब तरफ से सुनते हैं कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए, हमारी रोग प्रतिरोधकता बढ़ाए, तो रोग प्रतिरोधक वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास एक ही औजार है। हम अभी इससे क्यों हार रहे हैं, क्योंकि एक नई चीज है, नया वायरस है, जिसके लिए हमारे पास कोई वेपन नहीं है, कोई औजार नहीं है। सो वी आर नॉट इम्यून टू दिस थिंग। सो मेनी वायरसेस हैव अफेक्टेड एफ्लिक्टेड अस डिफरेंट रीजन्स, बट देन वी हैव डिफीटेड देम बाय डेवलपिंग हर्ड इम्यूनिटी। जब तक हमारी जनसंख्या, हमारी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेस है, काफी सारे लोग इससे, ज्यादातर लोगों को 80 से 85% लोगों, तो प्रतिशत लोगों को जो जनसंख्या में, एक माइल्ड डिजीज के लिए होता है, जो फ्लू लाइक इलनेस होती है, सर्दी बुखार, थोड़ा सा गला खराब, थोड़ी सी हल्की सी सांस में तकलीफ, वो ठीक हो जाएगा। जो हॉस्पिटल में जा रहे हो वो भी ज्यादातर ठीक हो जाएंगे। सो इसकी मोर्टैलिटी, यानी इससे केस फेटेलिटी रेट, से मरने की आशंका सिर्फ 2 से 3% है। ये सब वुहान से शुरू हुआ था, ये हम सब रोज देख ही रहे। ज्यादातर वो लोग इसके लिए ज्यादा संक्रमित होने के लिए आशंकित हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो 60-65-70 साल से ऊपर हैं, जितनी उम्र है उतना ज्यादा, और दूसरी बीमारियां, कोमॉर्बिड कंडीशंस। सो इफ दे आर डायबिटिक, उनको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है, उनको ब्लड प्रेशर है, उनको किडनी खराब है, फेफड़े की पहले से कोई बीमारी है, बहुत कॉमन है इंडिया में ये सब, और उसको, उनको हार्ट की कोई बीमारी है, हार्ट का, तो ये भी बहुत कॉमन, यंग लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स है, वो सब है, तो वो सब इसके लिए ज्यादा वल्नरेबल है, उसके लिए ज्यादा आशंकित है, उनको ये ज्यादा, उनको डायबिटीज किसी को है, डायबिटीज किसी को नहीं है, होने की आशंका उतनी ही है। किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को नहीं है, इसके होने की आशंका। ये वायरस क्यों खतरनाक है, कि ये बहुत जल्दी इन्फेक्टिविटी, कंटेजियसनेस, ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी से दूसरे को हो जाता है। लेकिन अब वो खतरनाक होगा, आपको मार डालेगा या बहुत बीमार कर देगा, हॉस्पिटल में हमको पीड़ित रखेगा, पटक देगा, इसकी आशंका इन्हीं लोगों में ज्यादा रहती है। एक आम इम्यूनो कॉम्पिटेंट, यानी जिसकी रोग प्रतिरोधकता अच्छी है, उसको उतना उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और कोई व्यक्ति बहुत डिप्रेशन में है, बहुत सारी दवाइयां ले रहे हैं, व्हील चेयर पे पड़े हुए हैं, उनकी भी आशंका रहेगी कि उनको अगर हो गया तो ये
अल्टीमेटली ये हमारे श्वसन तंत्र को अफेक्ट करता है. तो दिस इज इन अ डिजीज ऑफ द पोर्टल ऑफ एंट्री रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम वेयर इन हेल्पलेस फ्यू पीपल इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल. तो हमारी इम्यून सिस्टम कई बार बहुत डिसरेगुलेटेड रिस्पॉन्स देती है, ओवर बोर्ड चले जाती है. इसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, जो मल्टी ऑर्गन फेलियर कर सकता है, सेप्टिक शॉक कर सकता है, हाइपोटेंशन दे सकता है, एक्यूट किडनी इंजरी कर सकता है, जो मार डालता है. तो ये 3-5% 7% ज्यादा अगर होता है, डिपेंड करता है आपको और क्या क्या चीज है. अब एक हुआ ये है कि हमसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो एक दवा है HYQ, ये सबको ले लेनी चाहिए, ट्रंप ने इसको. सो ये बेसिकली ICMR हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसके लिए क्लियर कट गाइडलाइंस दे दी कि जो हाई रिस्क कॉन्टेक्ट्स हैं, जिनको एसिम्प्टोमेटिक इलनेस है, और जो डॉक्टर्स हैं जो ऐसी सिचुएशन में, जब इस समय डॉक्टर्स like my fraternity is like an angel who is working and risking their lives and actually doing the community service, jo ek samaj seva, jo waqai ek samaj seva hai, to is samay unke liye ye ek protective tool hai jo isko bacha sakte hain. unko advance mein leni chahiye uski guidelines. ek aam janta mein kisi ko jo apne ghar mein lockdown mein pade hain, koi issue nahi hai, wo khaye ja rahe hain aur shortage ki wajah se samajh rahe hain ki ab unko ho jayega, aisa kuch bhi nahi hai. so is this for और बहुत सारी रोज हम पढ़ रहे लिटरेचर आया जा रहा है हर तरफ से, अमेरिका से, यूरोप, वो लोग तो ज्यादा ग्रसित है, कुछ ना कुछ दवाएं ट्राई कर रहे हैं, कोई ना कोई बात ट्राई हो रही है. इसकी कोई डेफिनेटिव थेरेपी नहीं है, बचाव ही उपचार है. और इसके लिए इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबडी, एंड इंडिया इज इन यूनिसन एंड कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट, इट्स डूइंग वंडरफुली. तो हमको ये सोशल डिस्टेंसिंग और जो हिदायतें और गाइडलाइंस जो सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, हमारे मुख्यमंत्रियों की तरफ से आ रही है, उसको मानते रहना है. आगे भी हमको एक नए तरीके से जीना सीखना है. भीड़ भाड़ जो इंडिया में इतने पॉपुलेशन है के इलाकों से, हमको अब ये आगे कुछ महीनों तक ये बात ध्यान रखें, लॉकडाउन खुल भी जाए, हम गार्डेड वे में एक सीमित मात्रा में हम अपने काम, क्योंकि इकोनॉमी भी चलानी है देश. सो हमको ये बात सीखना पड़ेगा कि हम कैसे अब एक नए न्यू नॉर्मल के साथ एडजस्ट कैसे हो जाए, और इस क्राइसिस में, इस तरीके की एक विपदा में एक अवसर उत्पन्न होता है. सो देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी इन मिडस्ट ऑफ अ क्राइसिस. तो हम इंडिया तो मेडिटेशन और योगा का कंट्री, हमको अपने आंतरिक शक्तियों को जागरूक करके और एक अच्छी पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट से इम्यूनिटी बहुत ऊपर जाती है, बहुत ऊपर जाती है. ऑफकोर्स अच्छा फल सलाद खाना, कैलोरीज लेना, घरों में रह के भी हल्की सी एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा स्टेशनरी साइकिल चला लें, 5-10 मिनट ट्रेडमिल पे चल लें, कोई माइल्ड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर लें, बहुत सारे तरीके, यूट्यूब बड़ा पड़ा है सबसे. ये सब पॉजिटिव चीजें जो एज अ साइंटिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ करना चाहिए. ये घोल बनाने से वो हो जाएगा, ये करने से, भाप ले लेने से नहीं. भाप लेना इज ओके, आई है टेम्परेचर, भाप लेना इज अदरवाइज गुड फॉर सिस्टम, पर इससे होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, या इससे न्यूमोनिया नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता. न्यूमोनिया भी अगर इसमें होता है तो वो माइल्ड ही होता है, और आपको कई बार न्यूमोनिया है अंदर, एसिम्प्टोमेटिक इन्फिल्ट्रेट्स है लंग पैरेन्काइमा में, आपको बाहर से पता नहीं चलता जिनको इन्फेक्शन है भी. सो इसका हवा बनाने की, पैनिक बनाने की जरूरत नहीं है. सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, बार बार फ्रिक्वेंटली अपने हाथ को धोना, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रोज ही आ रहा है. और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हमको यूज करते रहना है, और आगे भी करना है. घर पे कैसे मास्क बनाना है, ये प्रधानमंत्री जी से लेके सब बताया जा रहे हैं कैसे हमको ये करना है, इस पे भी है, ये यूज करते रहना, हमको सीखना, हम मुझे भी सीखना, हम सबको सीखना है. और कुछ महीनों की बात है, और कुछ सप्ताह से कुछ महीने, और भगवान करे हमारे देश को कोई ब्लेसिंग मिले और हम इस सबसे बाहर आ जाए. जनरली उन्हीं को ज्यादा सावधान रहना है जो 60-65 साल से ऊपर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, किडनी की बीमारियां पहले से है, बहुत सारी बीमारियों की कोमॉर्बिड कंडीशन के लिए दवाइयां ले रहे हैं, डिप्रेशन बहुत सिवियर है, साइकेट्रिक इलनेसेस है, हार्ट की बीमारी है, फेफड़े पहले से खराब है, अस्थमा है, COPD है, कोई इधर कैंसर है, ये लोगों को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उनका होने की आशंका तो उतनी है, लेकिन उसका सीरियस हो जाने की आशंका, अगर भगवान ना करे, जैसे अगर मुझे हो जाता है तो इट्स लाइक अ फ्लू लाइक इलनेस, एंड इसमें मेरे लेवल पे 98.9% चांसेस है कि मैं जस्ट निकल आऊंगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा, या हल्की सी सर्दी बुखार. और बुखार अगर हो जाता है तो आप इमीडिएटली मेडिकल केयर लें, उसमें पैरासिटामोल, कुछ दवाइयां जो नहीं लेनी है जैसे आइबुप्रोफेन और अदर एनसेड्स, ये सब अब बहुत जनरल नॉलेज हो गया है. एंटीबायोटिक्स दी जाती है कि वायरस हो जाने के बाद कोई दूसरा बैक्टीरिया जो पहले से इधर उधर आसपास से चांस ना मार ले, तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए होती है. एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है. ये वायरस है, एक पैरासाइट है जो चमगादड़ों या किसी जानवर से इंसान जाति में आ गया है. तो ये जूनोटिक डिजीज है जो अब एक पैरासाइटिक रूप में आ गई, और इसको इंसान का शरीर चाहिए होता है. और अगर हम एक दूसरे से दूर रहे 14-15 दिन, एक इंसान समझिए, एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक परिस्थिति बताऊं, हम
पूरी दुनिया में 14 दिन अपने अपने घर में रहे, सब्जी दूध के लिए भी बाहर ना निकले, ऐसा होना मुश्किल है। तो ये वायरस 14 दिन में, वैसे क्योंकि इसको 5 से 14 दिन लगते हैं अंदर अपनी संख्या बढ़ाने में, और फिर वो दूसरे पे चला जाता है और उसको वहां लक्षण दे 14-15 दिन के बाद अगर सब है तो ये एक्चुअली इसकी चेन ही खत्म हो जाएगी। तो जैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग से यही कर रहे हैं, लॉकडाउन से हम यही कर रहे हैं, इसकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना चाह रहे हैं। तो आप सबसे ये विनती है जो प्यारे देशवासियों कि हमको ये सब एक्चुअली सीरियसली मानना है, कुछ ही दिनों की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे आगे तक मेंटेन करके चलना है, लॉकडाउन का सही तरीके से कैसे पालन करना है, अपनी इम्यूनिटी और हमारे मोरल को, हमारे आंतरिक बल को कैसे बनाए रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथ्स और भ्रांतियों में नहीं पड़ना है कि ये खाने से ठीक हो जाएगा, ये हम सबको कोई भी किसी भी उम्र में उसकी होने की आशंका उतनी है, बहुत इन्फेक्टिव है, ये इतना खतरनाक नहीं लेकिन इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है इसकी, ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये होने की आशंका है। लेकिन वो खतरनाक कब होगा, जब आपको, मुझे 2-3 बार मैंने पता है ये सब होने की, कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन है और पहले से कोई शारीरिक पीड़ा है तो इसके खतरनाक होने की आशंका ज्यादा हो जाती है। इसलिए हमको अपनी फिटनेस और अपनी मोरल को बनाए रखना है और इंतजार करते हैं, और शायद ये सच निकले कि गर्मी बहुत हो जाए, जो भारत में तो गर्मी बहुत होती है, और थोड़ी लंबी चले और तो ये चेन रिएक्शन खत्म हो जाए और अपने कामों में, अपने पुरानी दिनचर्या पे एक नई सीख के साथ वापस से आ सकें। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट एंड आई थिंक गॉड ब्लेस अस ऑल एंड लेट रिकवर एंड कम आउट ऑफ दिस एलिमेंट एंड मॉलिटी वेरी वेरी फास्ट। टेक केयर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, साइन ऑफ।